इनके पास वीजा है, टिकट है, पासपोर्ट है और कुछ गलती भी नहीं किया है दोस्तों, फिर भी दोस्तों गिरफ्तारी हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर। दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। दो तीन मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों पहला जो अपडेट है दोस्तों, स्क्रीन शॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, पहला अपडेट दुबई से आ रहा है दोस्तों। 5 भारतीयों को 18 साल का जेल का सजा हुआ है। एक दो नहीं दोस्तों, 18 साल आप समझ सकते हो, पूरा जो ज़िंदगी है आधा जवानी उसको जेल में ही गुजर चुकी है। बाद में दोस्तों ये जो भारत सरकार और वहाँ के एम्बेसी है दोस्तों, दोनों मिलकर आपस में दोस्तों फिर ये बंदे को, क्योंकि इनकी जीवन लाइफ टाइम के लिए हो गई, इसलिए दोस्तों दुबई में ये रूल है, इसको लाजिम फॉलो करें अगर आप जा रहे हो तो। किसी आपके हाथ से जाने अनजाने किसी का कत्ल हो जाता है दोस्तों, तो आपको पता है इस्लाम में, कुरान में तो खून का सजा खून है, इसलिए दोस्तों इनको पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी थी। लेकिन दोस्तों इनका मनसा नहीं था ये सब चीज़ करने का, अनजाने में ये प्रॉब्लम हो गया था नेपाल के एक जो सिक्योरिटी गार्ड था उसका, और ये 5 भारतीय के आपस में झगड़ा हो गया था, उसके कारण दोस्तों उसका जान चला गया था, जो नेपाली बंदा था उनका जान चला गया था। बाद में दोस्तों दुबई कोर्ट ने इसको पूरे लाइफ टाइम जेल का सज़ा सुना दी थी, और ये 5 दोस्तों वहाँ कर्नाटक के थे दोस्तों। इनको बाद में हुआ क्या कि जो भारतीय एम्बेसी थी कर्नाटक गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट आपस में मिलके फिर कैसे कैसे करके लास्ट 18 साल का सज़ा दोस्तों मुकर्रर किया। 18 साल बाद दोस्तों आखिरकार ये अपना इंडिया वापस वतन आ गए हैं, इमेज में लगा कर दिखा रहा हूँ। तो आप अगर कहीं भी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो तो गुस्से पर कंट्रोल करना, नहीं तो इस तरह का चीज़ आपको हो सकती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम फंस सकते हो, इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो मैं जैसा बताया दोस्तों, अपडेट आया सामने और बताया गया है कि ये बंदा दोस्तों जा रहा था, यानी इंडिया से दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहा था अबू धाबी, और अबू धाबी से इनको जाना था यूरोप कंट्री, मगर अबू धाबी का जो वीज़ा था दोस्तों वो तो इनके पासपोर्ट पर सही था, लेकिन दोस्तों जब यूरोप कंट्री का जो वीज़ा था दोस्तों उनको नकली वीज़ा, जैसे इमिग्रेशन में गया तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इनका वीज़ा चेक किया तो पता चला दोस्तों कि ये नकली है। बाद में दोस्तों वो एजेंट को नहीं पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा, जो नकली वीज़ा अपने पासपोर्ट पर लेकर आया था उसको गिरफ्तारी होकर के जेल भेजा गया। इसलिए बोलता हूँ अगर कोई भी आपको वीज़ा दे ऐसे दोस्तों तो लाजिम पहले चेक करा ले, नहीं तो एजेंट को तो कुछ नहीं होगा, आपको गिरफ्तारी होगी क्योंकि आप एयरपोर्ट में जा रहे हो। तो कोई अगर आपको अगर वीज़ा दे रहा है तो एक दो तीन जगह पे चेक करा लो वीज़ा सही है कि नहीं, ऐसे लेके चले जाओगे तो आपको फिर गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत बड़ी खबर थी, मैं सोचा आपको साथ शेयर करूँ।